तो फाइनली हमारी फ्रेम कितनी अच्छी दिख रही है जो हमने कैनवास का फ्रेम करवाया है। अगर आपको भी करवाना है तो आप बने रहे लास्ट वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिंटू आर्ट्स। तो आज के स्टूडियो में हम जाने वाले हैं गोंदिया। जो मेरे पास पुरानी ड्राइंग रखी हुई थी उसे हम फ्रेम करेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहे लास्ट वीडियो तक। तो हम पहुंच चुके नर्मदा आर्ट गैलरी में जो कि गोंदिया में स्थित है। अंदर जाके पूछने वाले हैं भैया या आंटी जी को, जो भी होंगे, कि हमें फ्रेम करवाना है। आंटी जी ने पूछे कितना बड़ा फ्रेम करवाना है, तो हमने अपना ड्राइंग पेज दिखाया उन्हें खोल के। तो एक भैया ने हमारे पेपर के साइज का एक फ्रेम बताया कैनवास का, जो हमें देखते ही पसंद आ गया, तो हमने अपना फ्रेम दे दिया उन्हें फ्रेम करने के लिए। रबर मार रहा है, रबर। हमने बोले 5 मिनट वेट करने के लिए, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा फ्रेम बनके कंप्लीट हो गया है। आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, कौन अच्छी लगी फ्रेम। उन्होंने हमसे 750 रुपीज़ चार्ज किए, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हमसे एक फ़ोटो का उन्होंने कितने रुपए लिए होंगे। तो हम चलते हैं घर की तरफ फटाफट। अपने दोस्त के साथ आए थे गोंदिया, वो आगे जा रहा है। देखो हमने सीढ़ी पकड़ ली यहाँ से। तो यार हमारी तो ट्रेन ही नहीं आई थी, तो हमको लग गई थी भूख, तो हम चलिए होटल। तो हमने खाया होटल में ब्रेड पकौड़ा, फिर हम निकले स्टेशन के लिए। तो हमारी ट्रेन आ गई थी, तो हम फटाफट से ट्रेन के अंदर बैठ गए। तो हमने खाया ट्रेन के अंदर बैठ के एक एक डोनेट, फिर हम निकल गए घर के लिए। बाय बाय गोंदिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रेन के साथ।